गुड मॉर्निंग दोस्तों, हरे कृष्णा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं अभी उठ के बस अब सोच रही हूँ नहाने के लिए आई हूँ। और नहा के कपड़े वगैरह हैं वो वॉश करके फिर लंच की तैयारी करेंगे और पूजा वगैरह की तैयारी करेंगे। मैं नहा धो के तैयार हूँ और आज मैंने पहना है कुर्ती एंड प्लाजो, तो मेरी ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की है और ये प्लाजो है। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो मेरे पास में क्या दही था कल का बचा हुआ, और बारिश में ज़्यादा हम लोग दही खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा फिर बचा हुआ जो दही है उसकी कढ़ी बना ली जाए। और जब आप देखो कढ़ी बनाते हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, बहुत से लोग ऐसा करते हैं डायरेक्ट दही में पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ी अच्छी मतलब दही को बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसको पतली छाछ नहीं बनाते हैं। तो अगर आप ऐसी कढ़ी खाते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से वो अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, क्योंकि जो दही है उसको जलाना नहीं चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, उसे अग्नि पर नहीं रखना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन अगर आप उसे इस तरीके से बनाते हैं जैसे पानी डालकर कढ़ी बनाते हैं, तो वो पानी जलता है जब हम लोग उसे पकाते हैं, तो वो दही नहीं जलता है फिर उस टाइम पे। तो जब तक जितना भी उसको भाप लेनी है तो वो सिर्फ पकेगा पानी, वहाँ पर दही नहीं जलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, देखिए कितना पतला एकदम पानी के जैसा है। तो इसमें मैं कढ़ी बना रही हूँ और इसमें मैंने अभी सिर्फ बेसन घोला है और इसमें कोई भी बटर नहीं है इस छाछ में। मक्खन सारा निकल गया है, सेपरेट हो चुका है, ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा मक्खन निकाल लिया है इस छाछ का। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा नमक पहले नहीं डालते, बाद में डालते हैं, नहीं तो कढ़ी जो है आपकी फट जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालती है ताकि ये आपके जोड़ों के दर्द को ना बढ़ाए आगे, क्योंकि अभी क्लाउडी वेदर है तो जोड़ों का दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है, बाद की समस्या बहुत लोगों को रहती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे ज़्यादा, और जब हम इसको पकाएंगे तो इसमें दाना मेथी का छौंक ज़रूर लगाया जाता है। 1 चम्मच दाना मेथी को आपको इसमें छौंक में डालना है, हींग इसमें ज़रूर डालनी है, थोड़ी सी आप चाहें तो इसमें अजवाइन का जो तड़का है तड़के में अजवाइन भी डाल सकते हैं, जिससे कढ़ी जो है आपको गैस नहीं करेगी। चलिए कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आपको बताया, इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हल्दी, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी। और जब भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है। और ये है यहाँ पर मिर्च, और यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। अब देखिए लाल मिर्च इस टाइम पे ना, आप जैसे अगर खाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो आपकी ऑप्शन है, लेकिन मैं हमारे घर में ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं तो मैं थोड़ा मीडियम ही डालूँगी। और ये जो है वो देगी लाल मिर्च है, मतलब बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो कढ़ी में रंग आ जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा। इसके अलावा मैं इस कढ़ी में और कुछ नहीं डालूँगी, नमक है वो बाद में, जब एक उकाली आ जाती है उबल जाती है कढ़ी उसके बाद में डाला जाता है। कल एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि उन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, मॉनसून में बहुत बढ़ जाते हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि आप ये जो साफ़ी है वो लीजिए। आप मॉर्निंग में इसको, जैसे अभी 6 बज रहे हैं, मैंने इसका एक जो छोटा ढक्कन है ऊपर वाला वो पिया है, और इसके ऊपर मैं पी लूँगी थोड़ा सा पानी। और पानी आप इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो लोग बोलते हैं 1 ग्लास पियो, लेकिन आपसे जितना पिया जाता है, जैसे मुझसे 1/2 ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है सुबह सुबह, तो आपसे जितनी आपकी कैपेसिटी है मॉर्निंग में खाली पेट पानी पीने की, तो बहुत ज़्यादा पीना नहीं है, सिर्फ इस दवाई को निगलने के लिए चाहिए ताकि पूरे बॉडी में घुल जाए और इसका असर दिखना शुरू हो। आपको 7 डेज के अंदर आपके जो पिंपल्स हैं ना उनमें फ़र्क नज़र आएगा, तो आप इसे लेके ज़रूर देखें। 15 दिन तक ट्राई करें, फिर 10 दिन का गैप दे दें, रेगुलर इसका सेवन नहीं करना है, नहीं तो ये जैसे मेरी दादी कहती थी ये खून सुखा देती है, तो खून सुखाने का मतलब है आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है अगर आप बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं तो। दोस्तों ये है मिट्टी की कढ़ाई, और इसमें आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, क्योंकि ये बड़ी है और इसमें अच्छे से बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। तो अब देखिए इसमें ना ये आपको दिख रहा होगा,
यहाँ पर ये आ जाता है, थोड़ा सा ऑयल सा गंदगी सी ऊपर उठ रही है। तो मिट्टी की कढ़ाई को साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप रेगुलर कुकिंग करेंगे ना, तो जब इसको गर्म करेंगे, पहले इसमें गर्म करिए फिर इसमें ऑयल डालिए। तो देखिए ये जो जितनी भी डर्ट है ये आ गई, और मैं इसको पॉज दूँगी। आप देखिए कितनी सारी जो गंदगी है वो सिर्फ सारे मेरे हैंकी के ऊपर आ गई है। और जैसे ही अब ये सारी गंदगी साफ़ हो जाती है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, फिर देखिए फटाफट हमारा खाना बनता है और ये हेल्दी भी होती है। अब देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और ये जो ऑयल है ये कच्ची घाणी का है, प्योर ऑयल है, और मैं इसमें यहाँ पर डाल दूँगी सरसों का तेल। कढ़ी हमेशा सरसों के तेल में बनाई जाती है ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी ना दे वात रोगों से रिलेटेड। तो सरसों का तेल जो होता है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है नेचर में, तो ये सरसों के तेल में इसीलिए बनाई जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है निकल के। अब इसमें हम लोग जब ये सरसों का तेल पक गया है, तो देखिए सरसों के तेल को ना बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत लोग इसको जला देते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपसे इसमें थोड़ी सी दाना मेथी डालूंगी, राई डालूंगी मोटी राई, और यहाँ पर मैं हींग डालूंगी और जीरा, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। पर मैंने कढ़ी डाल दी है, और जैसे मैंने आपको तड़के में बताया था क्या क्या डालना है, अब इसको कंटिन्यू ना चलाते रहना है। इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया है, तो ध्यान रहे नमक थोड़ा जब ये उकल जाती है कढ़ी तब ऐड करते हैं। इसमें आप तड़के में कढ़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये जो हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास कढ़ी पत्ता ना नीचे से लेके नहीं आई मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कढ़ी पत्ते का ट्री लगा हुआ है नीचे, तो वहाँ से फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है अगर आप कड़ी पत्ते का तड़का लगाते हैं। मेरे पास ना थोड़ी सी कसूरी मेथी है, तो एक बार बॉईल आ जाए फिर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी भी इसमें डाल दूँगी। बहुत लोग कढ़ी बनाते हैं तो उसके साथ में उसमें पकौड़े ज़रूर डालते हैं, तो देखिए राजस्थान में जब कढ़ी बनती है ना तो ज़्यादातर पकौड़ों वाली नहीं बनती है, नॉर्मल कढ़ी बनती है। जितना आप पकौड़े डालेंगे, जितनी चीज़ें डालेंगे वो उतनी हैवी होती जाएगी। तो ईजी है कि आप अगर राइस के साथ बना रहे हैं तो ये बिना पकौड़े की कढ़ी जो होती है वो राजस्थान की फेमस कढ़ी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे बिना पकौड़ों के ही बना रही हूँ, मैं इसमें पकौड़े नहीं डालूँगी, तो ये हेल्थ के लिए भी उतनी ज़्यादा मतलब अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो आपका डाइजेशन जो है वो वैसे ही थोड़ा लो रहता है, तो आप अगर कढ़ी में पकौड़े डालेंगे या बहुत हैवी कढ़ी को बनाएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए फिर अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए हमने यहाँ पर हींग डाली है, मेथी डाली है, हल्दी डाली है, ताकि ये हमें वात रोगों से होने वाली समस्याएँ जो भी हैं उनसे प्रॉब्लम ना दे ज़्यादा। मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, दिख भी उठ गया है, और जो कल कपड़े सुखाए थे वो भी सूख गए हैं। देखिए लंच में मैंने बनाया है आलू पराठा, और थोड़ा सा मैंने उसको कैचअप डाला है, क्योंकि वो ना उसको ज़्यादा अचार नहीं देती, उसका गला ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा सा कैचअप दिया है, इसे टच करके वो खा लेता है, इसको ज़्यादा भी नहीं खाता, बस फोकस यही है कि वो ये खा लेता है, पराठा खा लेता है। और यहाँ पर हस्बैंड के लंच में है कढ़ी, क्योंकि वैदिक ना हमारे कढ़ी नहीं खाता है, तो उसके लिए अलग से मुझे आज बनाना पड़ा, तो उसको कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैंने कढ़ी के साथ हस्बैंड के लिए डाले हैं राइस। राइस में आप घी डालना ज़रूर डालें, मतलब बिल्कुल ना भूलें। अगर आप दाल के साथ में राइस सर्व करें, किसी भी चीज़ के साथ अगर राइस सर्व करें, तो उसमें घी ज़रूर डालें। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं वैदिक को स्कूल छोड़ने, वैदिक रेडी है, और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग फिर से आज जूस पीने के लिए रुके हैं, ये टाइम होता है हमारा बेसिकली जूस का, और हस्बैंड फिर से जूस की शॉप पे है, और बस अभी कार में वेट कर रही हूँ। आज सोच रही हूँ कर्टेंस को ठीक करूँगी घर में, बिकॉज वैदिक का बर्थडे है 11th को, तो फिर सभी लोग आएंगे, आप लोगों को मिलवाऊँगी भी सबसे, मेरी सिस्टर्स वगैरह भी आ रही हैं जयपुर से। तो फिर अभी हम लोग ना थोड़ा सा घर को रिनोवेट काइंड ऑफ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, फिर जूस पीती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से घर पे जाके। आज मेरे को क्या भूख लग रही थी, और मेरे को थोड़ा वीकनेस भी लग रहा था,
तो मैंने एक पराठा खा लिया था सुबह सुबह, आलू का पराठा बनाया था, क्योंकि मैं भी कढ़ी ना मुझे अच्छी तो बहुत लगती है पर मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। कढ़ी, राइस और ये जो आलू वाली चीज़ें हैं, मुझे ना एक्चुअली वात प्रॉब्लम होती है मेरे को, फिर जॉइंट पेन इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा ये चीज़ें खाने से। तो अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ों को फिर अवॉइड किया करो, ज़्यादा नहीं खाया करो, थोड़ा बहुत ले लो, मतलब टेस्ट के लिए ले सकते हो, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको नहीं खाना चाहिए। मुझे एक बात और याद आई, मेरे पास में ना कल एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने मुझे बोला था कि उनकी मदर को स्वेलिंग आती है पैरों में, तो आपको मैं ना एक थेरेपी के बारे में बताती हूँ, इसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। आपको क्या करना है, दो बकेट्स लेनी है, एक बकेट में रखना है गर्म पानी जितना आपके जो पैर है वो सहन कर सके जब आप डिप करेंगे, और दूसरी बकेट में रखना है एकदम ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, आप उसमें बर्फ़ डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 2 मिनट तो रखने हैं अपने पैरों को, 2 मिनट के लिए रखना है गर्म पानी में, जैसे ही 2 मिनट्स होते हैं उठाकर जल्दी से उसको पैर को डाल देने हैं ठंडे पानी वाली बकेट में। ऐसा आपको 10 मिनट तक करना है, मतलब 5 टाइम्स आपको गर्म पानी में रखने हैं, 5 टाइम्स आपको रखने हैं जो आपकी मतलब ठंडे पानी की बकेट है। अगर ऐसा आप करेंगे, रोज़ाना करेंगे, सुबह भी करिए शाम को भी करिए, तो आपको क्या होगा, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों का ये बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा और अच्छे से ब्लड फ्लो होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो पैरों में स्वेलिंग आ रही है, दर्द आने की तकलीफ है, रेस्टलेस लेग जो हो जाते हैं वो प्रॉब्लम है, रात को बेचैनी रहती है, पैरों में झनझनाहट रहती है, ये सारी प्रॉब्लम्स ना आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वाली जो मैंने आपको एक ट्रिप अगर आपको इसका रिजल्ट मिलता है ना तो पक्का आप ये चीज़ करिए, बिकॉज इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे खुद को ही प्रॉब्लम थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना पड़ता है। आप देखते हैं मैं इतना ज़्यादा शूट करती हूँ, उसके अलावा मेरे को बच्चे को लेके आना होता है, छोड़ के आना होता है, फिर हमारा कुकिंग का टाइम हो जाता है, शूट का टाइम होता है, तो बहुत सारे टाइम मैं खड़ी रहती हूँ, तो मुझे खुद को ये पैरों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ में ट्राई करें, अगर जॉइंट पेन की भी प्रॉब्लम है तो ये जितने भी चावल हैं, खट्टी चीज़ें हैं, तो उनको अवॉइड करें, टमाटर ज़्यादा ना खाएं। आपको फिर आपको टमाटर की जगह आप आंवला ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, वो फिर आपका वात दोष नहीं बढ़ाएगा। तो मैं आ गई हूँ घर पे और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आपको मॉर्निंग में उठ के इतना सारा काम करना पड़ता है, फिर नाइट तक मेरा रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो बस अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद आरती करूँगी। आज आरती भी नहीं की मैंने मॉर्निंग में, तो बस फिर आरती करूँगी और फिर देखती हूँ बाकी का काम, वैदिक को लेके आना है फिर। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और वैदिक के बर्थडे के लिए कुछ सामान लेना है, तो वो लेके फिर वैदिक को डायरेक्ट उसके स्कूल से पिक करूँगी। तो अभी तो मैं मार्केट जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ से कुछ सामान जो है बर्थडे का वो लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई है। वैदिक के लिए मैंने लिया है एक नाइट सूट और एक टी शर्ट ली है। नाइट सूट मैं इसलिए लेती हूँ उसके बर्थडे पे, बिकॉज़ उसका जो बर्थडे है नाइट से ही बनना शुरू हो जाता है, मतलब मैं उसको वॉश करके जो कपड़े हैं उनको उसको नाइट सूट पहना देती हूँ, तो वो मॉर्निंग में जब उठता है तो एकदम न्यू क्लोथ्स होते हैं उनके, उसके नाइट सूट ही होता है। उसके बाद होगा हमारे घर में हवन, तो हवन के लिए उसका कुर्ता पजामा होता है ड्रेस, और फिर उसके बाद में जो भी उसका स्पिरिचुअल काइंड ऑफ बर्थडे मैं बनाती हूँ। मैं ज़्यादा हाई फाई बर्थडे पार्टीज में बिलीव नहीं करती हूँ, घर में स्पिरिचुअल टाइप्स बर्थडे बनेगा उसका, तो उसको सिर्फ कुर्ता पजामा मिलेगा। फिर नाइट में जो बच्चों के साथ में उसकी केक कटिंग पार्टी होती है वो मैं करती हूँ, तो केक कटिंग में ना मैं कैंडल्स नहीं बुझाती हूँ, मतलब मैं वहाँ पर वो बुझाने का काम वो चीज़ नहीं करती हूँ, मैं वहाँ पर जो दीपक होते हैं ना वो जला देती हूँ। लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, वो सब बैठते हैं वहाँ पर उसके साथ में और उनके साथ में वो बैठ के केक कटिंग करता है, तो वो बच्चों का एक अपना एन्जॉयमेंट है, बच्चे उसके बिना सोचते हैं हमारा बर्थडे नहीं बना है, तो उसको एक क्रेज़ है केक कटिंग का, इसीलिए मैं उसके लिए केक लेके आई थी कि केक उसके लिए बुक करवाया है कि अच्छा केक होगा, बच्चे ठीक है आराम से अपना एंजॉय करेंगे, तो उस टाइम की एक ड्रेस होगी। तो मैंने अभी तक फाइनली उसका कुर्ता पजामा नहीं लिया है, अभी एक कुर्ता पजामा लूँगी जो वो हवन में पहन के बैठेगा। तो मैं आप लोगों को घर जाके उसकी जो मैंने नाइट सूट लिया है वो मैं आपको दिखाऊँगी।
वैदिक नो। अब वैदिक स्लाइड कर रहा है अपने स्कूल में, थोड़ा सा आज तो खेलने के मूड में है। ओहो बिग वाला करोगे, ठीक से करना, वहाँ पर पानी भी है, कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, बस 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 पानी में हो जाओगे। चुक चुक चुक। वेरी गुड, दोबारा जाओ। दोस्तों मैंने वैदिक को ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और अभी आज फिर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। मुझे नहीं लगता उस दिन के जैसे ही ट्रैफिक मुझे आज भी लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने लग गया है हमारे स्कूल के, मतलब इनके स्कूल से हमारे घर के बीच में आजकल। ये देखिए आज फिर से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, और आज तो ना चारों तरफ से रोड्स जो है वो ब्लॉक है। कल तो उस दिन तो सिर्फ दो तरफ से थे, आज तो इधर से भी ट्रैफिक है, यहाँ से भी ट्रैफिक है, पता नहीं क्या होगा आज। वैदिक और मैं आ गए थे, अब वैदिक को थोड़ा सुला रही हूँ, सो जाएगा। देखो मैंने कर्टेंस बनाए हैं, वाइट कलर के कर्टेंस हैं, और यहाँ पर भी बनाए हैं सेम, और सेम यहाँ पर बनाए हैं। और ये देखिए कितना था लुक आ रहा है इसका कर्टेंस का। और मैं आपको ना ये वाले भी दिखाती हूँ, आप भी अपने घर में इस तरीके से कर्टेंस बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, और पतले भी हैं, वाइट भी हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। कल यहाँ पर ये फ्लोर मैट आएगा, बिकॉज यहाँ मैट जो था यहाँ का वो कट गया है, तो ये पूरा मैट हट के कल दूसरा मैट बनेगा, पूरा रूम का लुक चेंज हो जाएगा। फिर मैं आपको पूरा रूम टूर करवाऊँगी मेरा। हम लोग आ गए हैं छत पे, और आज मैं थोड़ा सा ना थकी हुई ज़्यादा हूँ, बिकॉज़ मैंने कर्टेंस का काम किया और भी बहुत सारा घर का काम चल रहा है, क्योंकि वैदिक के फंक्शन की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए बहुत सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है। तो फिर बस अभी हम लोग थोड़ा छत पे आए हैं, मैं थोड़ा बैठूंगी, और वैदिक चला रहा है अपनी साइकिल अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर रहा है। फिल करो बेटा इसको अच्छे से, पूरा करो, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं खोलो इसको, ज़रा जल्दी करो बेटा, वैदिक टाइम नहीं है मम्मा के पास। हाँ जी करो, फिर करो फटाफट से, टाइम निकल जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, और वैदिक भी तैयार है, और बस मैं भी अब सोने के लिए जा रही हूँ, और बस फिर कल का जो डे होता है आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। हरे कृष्णा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उनका जवाब मेरे व्लॉग्स में ही दे दिया करूँगी, जिससे आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहें, और आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।